टू ऑल स्टूडेंट, अगेन आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जेई स्कूल में। काफ़ी बच्चे मुझसे यूपीपीसीएल की वैकेंसी को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमें यूपीपीसीएल में जेई की वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी। आपने दिसंबर में बताया था कि दिसंबर मिड तक आपको यूपीपीसीएल जेई की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, बट अब तक ना कोई नोटिफिकेशन आया है, ना कोई शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है, ना कोई ही आपकी तरफ से अपडेट मिला है। तो आज मैं अपनी वीडियो में यही बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यूपीपीसीएल की तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज नहीं किया जा रहा है, और अब आपको कितना और इंतजार करना पड़ सकता है, और ये जो समय मिल रहा है इसमें हमें क्या करना चाहिए। क्या हम परेशान होकर अपना समय को खराब कर लें, या जो आने वाला नोटिफिकेशन है उसके लिए हमें 100% फुल फोकस से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो समझिए कितना डिले आखिरकार हो क्यों रहा है, क्यों आप लोगों को अब तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। देखिए, जब मैंने इससे पहले यूपीपीसीएल के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग मिड दिसंबर तक वैकेंसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब तक नोटिफिकेशन आप लोगों का ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था। अब नोटिफिकेशन तो आप लोग का ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया था, तो मैंने उसके हिसाब से मैंने अनुमान लगाया था कि शायद इसको एक महीने के अंदर में इसको अप्रूवल मिल जाएगी, तब तक आप लोगों का यूपीपीसीएल का नोटिफिकेशन आपका वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। देखिए, मेरा खाली एक ही काम होता है कि मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में अवगत करा रहा हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए और तरफ से, क्योंकि आपको यूपीपीसीएल का नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है, और उस वक्त ऐसा ना हो कि आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहे या आपके कुछ सब्जेक्ट अनकम्प्लीट रहे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कब तक आप लोग अब यूपीपीसीएल का नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग दिसंबर में होपफुल रहिए, आपको होपफुली दिसंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इसके बारे में कोई और नई अपडेट मिलती है यूपीपीसीएल में, तो मैं आप लोग को उसके बारे में भी बता दूंगा। अब लोगों को क्या करना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट। देखिए, हम स्टूडेंट हैं तो हमारा खाली एक ही टारगेट होता है कि हमारा किसी भी तरह एग्जाम में सिलेक्शन हो, और यूपीपीसीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग अभी उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए जिन सब्जेक्ट पे आपकी कम पकड़ है, या जिन सब्जेक्ट की वजह से आपका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आप लोग माइक्रो प्रोसेसर, पीएलसी, स्काडा, रिन्यूएबल, इन जैसे टॉपिक पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, और अपने आप को फुली टारगेट कीजिए, फुली ओरिएंटेड बनाइए यूपीपीसीएल की तरफ से, क्योंकि इस बार आप लोगों को 2024 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है यूपीपीसीएल, उसमें आपको बम्पर वैकेंसियां भी देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपको इतनी देखने को नहीं मिलने वाली है यूपीपीसीएल में। तो यही था आज का अपडेट। आई होप आप लोग मेरी बात को एक पॉजिटिव तरीके से लेंगे और अपनी प्रिपरेशन को और एक ज्यादा एज देंगे। और जो बच्चे नए हैं वो लोग प्रिपरेशन करने के लिए यूपीपीसीएल के मेरे यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।